व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स योर बॉम्बी किसिंग बैक टू न्यू वीडियो माय सेक्सी गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके ब्लैक लिप्स को पिंक करने का एक बेस्ट और नेक्स्ट लेवल होममेड रेमेडी के बारे में। तो होममेड रेमेडी कैसे बनता है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, पर उससे पहले इस रेमेडी का कुछ रूल्स है जो आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं रूल्स के तरफ। रूल नंबर वन, आप जब इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम आपको स्मोकिंग करना कम करना पड़ेगा। मैं स्मोकिंग करना कम उन लोगों को बोल रहा हूँ जो देखना कोई एक सिगरेट लेता ना हो, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक खींचता रहता है और जो उसकी आग होती है स्पंज में लगता है तब हमारा लिप्स हमारा जलने लगता है, जो जिस वजह से हमारा लिप्स जो होता है वो ब्लैक पड़ जाता है, क्योंकि जो आग होती है ना, आग के वजह से हमारा लिप्स जल जाता है, इस वजह से हमारा लिप्स ब्लैक लगने लगता है। तो स्मोकिंग करना अवॉइड करो या कम कर दो, यार कम ही कर दो, तुम लोग ऐसे में तो मानोगे नहीं, कम कर दो। रूल नंबर टू, आप जब भी घर से बाहर निकलो तो उससे पहले अपने लिप्स को कवर करके निकलो, क्योंकि हमारे फेस के सबसे सेंसिटिव स्किन होता है आँखों का नीचे का स्किन और लिप्स। जब ये धूप लगता है ना, धूप लगने के वजह से ये आँखों का स्किन अजीब सा डार्क पड़ जाता है और लिप्स धीरे धीरे डार्क होना शुरू होता है, क्योंकि जो धूप का जो टेम्परेचर है ना वो हमारी ये दो जगह के जो स्किन है वो ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते, इसीलिए वो जल्दी से डार्क पड़ जाता है और ये भी डार्क हो जाता है, लिप्स भी डार्क हो जाता है और आँखों का नीचे भी डार्क हो जाता है। जब भी आप धूप से जब घर पे आओगे ना तब देखना ये जगह पूरा ब्लैक हो जाता है। तो विदाउट चश्मा पहने निकलोगे तो ये जगह ब्लैक हो जाता है और लिप्स भी हल्का हल्का ब्लैक होने लगता है, ये साइड में ब्लैक होने लगता है। तो इस वजह से ही आप जब भी घर से बाहर निकलो तो लिप्स को कवर करके निकलो। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये रेमेडी बनता कैसे है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हाफ लेमन और वाइट टूथपेस्ट लो, इन दोनों को एक साथ रखो। उसके बाद एक बाउल लो, उस बाउल पे थोड़ा सा वाइट टूथपेस्ट एंड लेमन जूस को ऐड करो, दोनों को अच्छे से मिक्स करो और अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड में रख दो, अभी उसका ज़रूरत नहीं है। अब वो हाफ़ लेमन लो और हाफ लेमन के ऊपर थोड़ा सा शुगर पाउडर दो और शुगर पाउडर दे के अच्छे से अपने लिप्स को स्क्रब करो, 3-4 मिनट तक स्क्रब करो अच्छे से। जब ये स्क्रब हो जाए तब इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़। अब वो जो वाइट टूथपेस्ट है, वो टूथपेस्ट और लेमन का जो हम लोगों ने मिक्स करके रखा था साइड में, अब उसको लेकर आओ एंड उसको लेकर अपने लिप्स पे अप्लाई करो एंड अप्लाई कर लो, तब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दो। अब ये रेमेडी जब ड्राई हो जाए तब वो जो हाफ लेमन जो लिए थे वो लेमन का फिर से स्क्रब करो। स्क्रब करने के बाद लिप्स को ठंडे वाटर से वॉश करो। इस रेमेडी को हफ्ते में 3-4 बार आप कर सकते हो और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको एक अच्छा सा लिप्स का मॉइस्चराइज़र बोले तो वैसलीन लगाकर आप रात को सो जाओ और रात को ही इस रेमेडी को आप यूज़ करो, क्योंकि दिन भर अगर आप बाहर रहोगे तो वही धूप वगैरह लगेगा फेस पे और लिप्स पे, तो इस रेमेडी का कोई को फ़ायदा नहीं होगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, भाई से अगर मोहब्बत होगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए